आर्मी को ज्वाइन मैंने 1962 में किया था। तो आपने 1965 की जंग भी लड़ी होगी, तो उसके बारे में कुछ बताएं हमें। जंग 1965 की भी मैंने लड़ी है, 1971 की भी लड़ी है। बलूचिस्तान के अंदर एक एमरजेंसी लगी थी, हालात तो बदलते रहते हैं, होटलों पे गाने और चहल पहल थी, सब कुछ बारौनक चीज थी। किसी को गुमान भी नहीं था कि कल जंग लगेगी। जब हम सुबह सवेरे खारिया पहुंचे तो वहां पर हमें इतला हुई कि दुश्मन ने लाहौर पर अटैक कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम, आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं गाजी रिटायर्ड कैप्टन मोहम्मद इकबाल साहब से, जो हर लम्हा न्यूज़पेपर के चीफ एग्जीक्यूटिव भी हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, आपने आर्मी कब ज्वाइन की? नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिल करीम फामाबाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें इंटरव्यू के लिए बुलाया। आर्मी को ज्वाइन मैंने 1962 में किया था। भर्ती भी मैं गांव में हुआ था, जो एक छोटा सा गांव, वहां पर फौजी एक ग्रुप आया था, उन्होंने भर्ती किया। उसके बाद हम फाइनल मेडिकल के लिए एबटाबाद चले गए। एबटाबाद में ट्रेनिंग मुकम्मल करने के बाद मैं कोटा चला गया एक यूनिट के अंदर, और उसके बाद लगातार फिर 34 साल तक आर्मी में रहे। अच्छा, तो फिर तो आपने 1965 की जंग भी लड़ी होगी, तो उसके बारे में कुछ बताएं हमें। जंग 1965 की भी मैंने लड़ी है, 1971 की भी लड़ी है, लेकिन 1965 की जंग से पहले जब हम बिल्कुल यंग सोल्जर थे, बलूचिस्तान के अंदर एक एमरजेंसी लगी थी, वहां पर कुछ अंदरूनी तौर पर दहशतगर्दी के हालात थे, हमारे लिए वो एक जंग ही थी। वो भी मैंने लड़ी है, जो बहुत ही खतरनाक थी। 1965 की जंग दुनिया के जंगों में एक अजीम जंग थी, जो बहुत तेजी से लड़ी गई। इसमें तो कुछ शक नहीं कि हमारी जो आर्मी की तनासुब था वो इंडिया की आर्मी से तकरीबन 10 गुना कम था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व ताला के कर्म हमें कामयाबी हासिल हुई, हमें हर मार्के पे कामयाबी हुई। और उस वक्त का जो वक्त याद आता है मुझे, अभी भी जुनून आता है, जज्बा आता है। क्या होगा कि दोबारा जाएं वतन की खातिर लड़ें? अभी भी हम तैयार हैं, अभी भी अगर जिस दिन आर्मी ने हमें बुलाया, और अल्लाह करे बुलाए, हमारा आज भी खून अपनी कौम और मुल्क के लिए हाजिर है। हमें उस वक्त लड़ाई में हमें कुछ भी याद नहीं होता था, घर कहाँ है, बरादरी कहाँ है, रिश्तेदार कहाँ हो, सिर्फ और सिर्फ एक लड़ाई, एक जंग हमारे सामने थी। और उसमें अगर आप एक वाक्य बयान करूं तो वो ये है कि तकरीबन 5 सितंबर की रात को हम कोटा से आए थे, और शाहदरा से जब गुजर रहे थे तो मगरब और इशा के दरमियान का वक़्त था, लाइटें जल रही थी, होटलों पे गाने और पूर चहल पहल थी, सब कुछ बारौनक चीज थी। किसी को गुमान भी नहीं था कि कल जंग लगेगी। जब हम सुबह सवेरे खारिया पहुंचे तो वहां पर हमें इतला हुई कि दुश्मन ने लाहौर पर अटैक कर दिया है। तो फिर क्या तासरात थे उस वक्त आपके? उस वक्त का वाकया बयान करते वक्त थोड़ी सी जुबान हमारी थरथराती है। जो जज्बा था काबिले तारीफ था और काबिले दीद था। हर एक जवान ये कहता था कि हमें फौरन बॉर्डर पर पहुंचाया जाए। बहरहाल हमें वापस वहां से आए तो उस वक़्त आर्मी के जुनून और जज्बे के साथ अवाम का जुनून और जज्बा भी हमें देखने में आया। वो हमसे भी ज़्यादा थे। हमें उन्होंने जहाँ से हम गुजरे, लाला मूसा, गुजरात, गुजरांवाला, यहाँ तक के लाहौर, बहुत उन्होंने वेलकम किया, इस्तकबाल किया और नारों से हमारा हौसला अफजाई की। आखिर हमें एक गांव मुस्तफाबाद है कसूर रोड पर, उस वक्त उसका नाम ललियाणी था, वहाँ पर डिप्लॉय किया। फिर हमें बॉर्डर के नज़दीक लेकर गए। तकरीबन 13 सितंबर की बात है, क्योंकि उस वक़्त तो लड़ाई में हमें ना दिन का पता था, ना रात का, ना तारीख का, लेकिन अंदाज़ा ये है कि 13 सितंबर की रात थी। हमें हुक्म मिला कि दुश्मन जामण गांव, जो कि कसूर बॉर्डर पे बेदिया सेक्टर के साथ है, कि दुश्मन अटैक करना चाह रहा है, अटैक आएगा, लिहाजा हमें फौरी वहां पर पहुंचा दिया गया। बीआरबी नहर जो लाहौर से होकर आगे जाती है, उसमें हमें सिर्फ एक कंपनी दिफा के लिए दी गई, जबकि इंडिया का जो अटैक आ रहा था वो तकरीबन 2 ब्रिगेड से भी ज्यादा था। लेकिन हमारे पास हैवी वेपन जो थे और हैवी मशीन गन्ने थी, वो नहर पर डिप्लॉय थी,
जामन गांव जो है वो नहर से तकरीबन 1.5 किलोमीटर के फासले पर एन बॉर्डर के ऊपर है। सुबह के वक्त जब रोशनी शुरू हुई तो दुश्मन के टैंक और सिपाह आते हुए नजर आए। हमारी एक प्लाटून आगे भेज दी गई, जिसको पॉइंटर प्लाटून भी हम कहते हैं, लेकिन अभी तक उसने दिफा भी नहीं लिया था तो दुश्मन उन पे चढ़ आया। और मैं आपको बताऊं, हमारा एक नायब सूबेदार गुलाम हुसैन साहब नाम था उनका, उन्होंने गन को लिया और बाहर निकलाया मोर्चों से, और आप यकीन करें फायर करता हुआ टैंकों के ऊपर फायर उस शख्स ने किया और शहादत नोश फरमाई। वहां पर हमारे तकरीबन 17 आदमी शहीद हो गए थे। जब वो हमारे किलिंग जोन में आए, प्लाटून वापस आ गई, तो हैवी वेपनों ने फायर शुरू किया। जितनी भी बातें करूं कम है कि टैंकों को हमने ऐसे उड़ाया था जैसे कुत्तों को उड़ाया जाता है, और आदमी भी जो है हमें शिस्त लेने की जरूरत ही नहीं थी, फायर किया है सीधा और वो हिट होता था उनको, बेशुमार फौज थी और हमें वहां पर कामयाबी, और हमने वहां से उसको पीछे धकेल दिया। फिर उसके बाद हमें एक तरगा पोस्ट है, जामन गांव है, नील गांव है, उधर भी मौका मिला अटैक करने का और उनको 3 किलोमीटर तक अंदर धकेल दिया गया, यहाँ तक कि हमारा अमनिशन भी खत्म हो गया था एक फोर्स के पास, और बैनेट फाइटिंग से हमने उनको मारा। तो ये 65 की जंग का तो बहुत बड़ा वाक्य है, लेकिन ये मुख्तसर से मैंने बयान किया है। 65 की जंग में जो जज्बा था कौम में और आर्मी में, वो काबिले दीद था और काबिले तहसीन। जी, इसमें तो कोई शक नहीं, सुना है कि बहुत जज्बा था आर्मी में भी और लोगों में भी, तो इसका क्रेडिट आप लोगों को ज्यादा जाता है, लोगों से कि आप लोगों ने फेस किया उसको। अब कौन से बॉर्डर पे थे सर आप? कसूर बॉर्डर पे, मैं आपको बताया, बेदिया सेक्टर, कसूर बॉर्डर जी, बेदिया सेक्टर और जामन गांव, और उधर हमने लड़ाई लड़ी थी। इस वक्त की जंग में आवाम और फौज के क्या तासरात थे? आपको मैंने बताया, वो आपने बता दिया है, तासरात समझ आ गए मुझे। तो आप यकीन करें कि आवाम के जो जज्बात थे, हमें तो उस वक्त देखे थे जब हम बॉर्डर की तरफ आ रहे थे, जब तक हम जंग में रहे हमने आवाम का नहीं दिया, लेकिन उनकी सपोर्ट, उनका वलवला, उनकी जो मदद जो हमें पहुंच रही थी और उनके जो हालात थे वो यही थे कि वो जज्बात से सरशार थे। वो कहते थे, जवान लड़कों ने कहते थे, हमें भी आगे ले चलो, हमें आगे ले चलो, तो बहुत अच्छे जज्बात थे। वो तावन था, बहुत ज्यादा तावन था। लोगों का जो उस वक्त तनासुब आपने बता दिया सारी, मुझे पता चल गया कि जो आपके एक ही मैसेज में सारा कुछ मुझे जो मैं पूछना चाह रही हूँ मुझे समझ आ गई है कि लोगों का क्या तनासुब था, लोग क्या चाह रहे थे, लोग कितने जोश में थे। आप मुझे ये बताएं कि आप कोई लेसन, कोई सबक नए आने वाले लोगों को देना चाह रहे हैं, जो लोग आर्मी ज्वाइन करना चाह रहे हैं, जो लोग खुशी से आ रहे हैं, उनको आप क्या लेसन देंगे? देखो जी, क्या मैं कहना चाहता हूँ, हालात तो बदलते रहते हैं, लेकिन फौज का और आवाम का तआवुन आज भी है, और अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा है, और दुआ है अल्लाह तबारक व तआला इस तआवुन को, इस सलूक को इसी तरह कायम दायम रखे। और पाक आर्मी के बारे में क्या कहेंगे आप, उनके जोश के बारे में? पाक आर्मी कैसे मतलब अपने वतन के लोगों का साथ देती है, क्या महसूस करती है आर्मी, ये अपने हमें तो पता है, लेकिन आप क्योंकि आर्मी में थे और आपके तासरात हम सुनना चाहेंगे कि आर्मी उस वक्त क्या महसूस करती है अपनी आवाम के बारे में, जंग जब चल रही होती है उसके बारे में, वो थोड़ा सा आप हमें बताएं। पाक आर्मी ट्रेनिंग के लिहाज से, डिसिप्लिन के लिहाज से, अखलाकियात के लिहाज से, तआवुन के लिहाज से बहुत अच्छी है। सिविलियन भी उनके साथ तआवुन करते हैं और ये तआवुन होना चाहिए। आर्मी अंदरूनी और बैरूनी दोनों सूरतों में बुरे हालात में निमटती है। पाकिस्तान आर्मी का नाम दुनिया में एक अच्छे नाम से पुकारा जाता है, एक ट्रेंड शुदा क्वालिफाइड के लिहाज से पुकारा जाता है कि आर्मी पाकिस्तान की बहुत अजीम आर्मी है, बहुत टफ है, और इसमें कोई शक भी नहीं, सिर्फ लफ्जों से मैं नहीं कह रहा, वाकई टफनेस है ना, बहुत लायक है और अपने काम से काम रखते हैं, जो भी इनको काम दिया जाता है चाहे वो अंदरूनी हो चाहे बैरूनी हो, उसको सुरखरू करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपसे बहुत सारी बातें जानने को मिली, और मेरे ख्याल में जो लोग देखेंगे उनका जज्बा, उनका और जोश और बढ़ेगा आर्मी में, आप जैसे लोगों को देख के लोगों का जज्बा उभरेगा, लोग और खुशी से आएंगे। ये बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। तो हम एक मैसेज देना चाहेंगे आवाम को कि ये जज्बात देखें, मोहम्मद इकबाल साहब के आर्मी से रिलेटेड ये इनके जज्बात देखें अपनी लोगों के बारे में। और आज मैं इसी ख्वाहिश के साथ प्रोग्राम को ख़त्म करती हूँ। इनकी तरफ से रिटायर्ड कैप्टन मोहम्मद इकबाल साहब से मिलके बात करके बहुत अच्छा लगा। लास्ट में मैं दुश्मनों के लिए एक शेर जरूर कहूंगी, हमसे उलझोगे तो दुनिया में रहोगे कैसे, हमसे उलझोगे तो दुनिया में रहोगे कैसे, हम तो हर जुर्म की दीवार गिरा देते हैं। अल्लाह हाफिज़।